यस स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिस अशोक प्रयागराज में। हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। हमने कहा था कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम देखेंगे कि एग्जाम्स में क्या सवाल पूछे जा चुके हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। मैं लेकर आया हूँ ऐसे ऐसे सवाल हैं, इसमें देखेंगे सोचेंगे यार क्या हो रहा है, है ना। कई जगह अब चूंकि कभी कभी तो छपने में भी मिस्टेक हो सकती है, वो आगे देखेंगे। लेकिन आप देखो कि सवाल कैसे बन रहा है, ये रहा पहला सवाल। लगाने का प्रयास करें ऐसे सवाल कैसे हैंडल होंगे, आप इसको देखिए। क्या आप लगाने की कोशिश करेंगे? देखो लिखा है सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। फिर दिया है यदि एक्स का मान दिया हुआ है ये, तो फिर इसका मान बताओ। एक्स का मान हमें दिया हुआ है ना, तो अब बताना है ये वैल्यू बताओ क्या मान हो और लगा के देखते। जब भी सवाल ऐसा आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो जो जानकारी हमको दी गई है पहले उस जानकारी से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस जानकारी से अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स बराबर पाँच बन जाएगा। यानी इसको हम आगे चलकर ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पाँच एक्स। एक बात तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक बात। और दूसरी बात जरूरत पड़ेगी तो और ढूंढेंगे, आओ देखा जाए। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम पाँच एक्स लिखते हैं। हमें मान किसका ज्ञात करना, इसका। चलो इसको लिखते हैं दोबारा। मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। चलो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसकी जगह पे तो हम लोग पाँच एक्स लिख सकते हैं। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने पाँच एक्स लिख दिया, ये हुआ पाँच एक्स प्लस दो एक्स, ऊपर तो बन गया सात एक्स, और नीचे क्या हुआ? एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस पाँच। इतनी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब एक्स माइनस पाँच आया हुआ, एक्स माइनस पाँच कैसे हो सकता भाई? अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, अगर इस पाँच को मैं इधर ले जाऊँ और ये वैल्यू उधर लेके चला जाऊँ, पक्षांतर करूँ, तो एक्स माइनस पाँच की वैल्यू भी हमारे सामने यहाँ से निकल सकती है। देखो अगर ये पाँच मैं इधर ले आऊँ और ये वैल्यू इधर ले जाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस पाँच बराबर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स लिख सकता हूँ। एक्स माइनस पाँच की वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस वाई स्क्वायर बटाई एक्स। बस काट दो भाई, और देखें क्या हुआ, ऊपर सात एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर इन टू। अब एक्स माइनस पाँच की जगह हम एक्स माइनस पाँच की वैल्यू रखने जा रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स, माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स। आप क्या समझते हैं कि एक एक्स, देखो इस एक्स से एक एक्स यहाँ से कट जाएगा और ये एक्स से एक एक्स ये कट जाएगा, ऊपर बन गया आपके सामने क्या वैल्यू आएगी? सेवन अपान माइनस वाई स्क्वायर आया, सेवन अपान माइनस वाई स्क्वायर यानी सेवन अपान वाई स्क्वायर। देख रहे हैं आप उत्तर, सवाल देखिए कैसे लिखा हुआ, खाली एक तरह से जैसे नहीं अब कोई चीज़ फंसा के रखी गई हो, और थोड़ा सा देखिए और उत्तर आपका बन जाए। ये है आपका सवाल, कैसा रहा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल एग्जाम का। अगला प्रश्न देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ऐसे सवाल जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है 221। देखो भाई ये तो सिंपल कैलकुलेशन लग रहा, 221 प्लस 207 माइनस लिखा 44 गुड़ा 3। भाई क्या लिखा है? तो पहले तो गुड़ा ही करना पड़ेगा आपको। चलो गुड़ा कर लें, 3 चौके 12 13 113 और प्लस इनका भी गुड़ा है 7 चौके 28, यही करना है हमको। अब देखो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव इकट्ठा करें 8 और 7 15 116 हासिल हुआ 1 3 3 और 2 5 और 2 और 2 4 456 आया। इसमें से आप 132 माइनस करें तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 4 में से 1 घटाएंगे 3, आपका उत्तर बना 324। बस अच्छा बताओ अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा गया क्या क्या रीजन रहा होगा इसको पूछने का? केवल ये रीजन रहा होगा कि देखें आप ये जो है गुणा है प्लस है इसमें क्या क्रम है, कहीं ये तो नहीं गलत कर रहे हैं या नॉर्मल कैलकुलेशन आपसे गलती तो नहीं हो रही है ना। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें।
अगला प्रश्न आपके पास क्या है, ये है देखिए, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस का मान ज्ञात कर, आओ हल करते हैं। लिखा 13² - 8² और फिर इनटू 5 और प्लस 4, चलो ठीक है भाई, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, 13² क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हैं a² - b² के टर्म में है ये, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 13 + 8 एक ब्रैकेट में और 13 - 8 एक ब्रैकेट में और गुणा 5 + 4 तो है ही है भाई, इतना तो है आपके पास, 13 × 8 = 21 हुआ, 13 में 60 घटाओ तो क्या आएगा 5, और फिर गुणा 5 + 4 25, 5 × 25 25 × 25 2, 25 × 50 52 और प्लस आपका 4 है, कितना आएगा आपका 529, आपका उत्तर बना 529, विकल्प नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ये किसी और का विकल्प आ गया होगा, आपका उत्तर क्या बन गया 529, आपने प्रोसेस देख लिया, इसको सॉल्व करेंगे गुणा 5 और प्लस 4 करेंगे, आपका उत्तर बन के तैयार, कैसा रहा सवाल, तो अब पूछा क्यों गया, फिर वही कारण है ना, आओ हल करते, तो अगला सवाल हमारे सामने है ये, देखो क्या है, देखा 1/2 का 16/5 फिर प्लस 1/8 का 16/24/9 फिर गुणा 18/12 - 5/8, अब का शब्द लिखा है, जहां जहां का लिखा है सबसे पहले हमें तो वही से गुणा करना पड़ेगा, आओ करते हैं, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 1/2 से, 1/2 × 16/5 ठीक है, इसको हमें पहले करना है, प्लस 1/8 × 24/9 चलो इसको मुझे पहले करना, और फिर भी लिखा है गुणा 18/12 अच्छी बात, और लास्ट में लिखा है 5/8, ये जो मैंने निशान लगा दिया है तो भाई इसको मैंने गुणा करना है पहले, आओ देखें, तो 2 × 8 = 16 ये हो गया 8/5 प्लस इनको काटे 8 × 3 = 24 हुआ और 3 × 3 = 9 हुआ और 3 × 6 = 18 हुआ और 6 × 2 = 12 हुआ, वाह भाई वाह, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा, एक बचा और नीचे बचा है 2 और -5/8 यही हुआ, देखो 8 × 3 = 24 3 × 3 = 9 3 × 6 = 18 6 × 2 = 12 खत्म, हमारे पास यही इतना बचा, अब इसको आप तो 8 और 5 2 का लघुत्तम क्या ले लेंगे आप 40 5 × 8 = 40 8 × 8 = 64 तो उसे काटोगे यहाँ 20 8 × 5 = 40 5 × 5 = 25 जरा बताओ 20 और 25 सॉल्व करेंगे -5 और -5 इसमें से घटा देंगे तो आएगा 59 क्या जाएगा भाई 59/40 कहीं दिख रहा आपका सी ऑप्शन देखो 59/40 प्रोसेस देखिए आप सरलीकरण क्या होता है कैसे सॉल्व किए जाते हैं उम्मीद है आप बेहतर समझ पा रहे हैं कैसे लगाया जा रहा आप देखिए अगला प्रश्न आपके सामने काटना पेट भर के काटिए मन खुश हो जाए चलो इसे हल करना शुरू करते हैं लिखा 18 का 1/4 भाई 18 का 1/4 करोगे क्या हो जाएगा 18/4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 18/4 हो जाएगा फिर यहाँ लिखा भाग 6/5 है तो भाई गुणा करके 5/6 लिख सकते हो अच्छा प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या अब देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लिखा ना दिस प्लस कुछ था और नहीं लिखा गया अब नहीं लिखा गया तो छोड़ो हटाओ अब इनमें से कोई उत्तर नहीं आएगा कोई बात नहीं लेकिन देखो यहाँ पे प्लस करके कुछ लिखना था नहीं लिखा गया अब इसको हमें जोड़ना ही है और कोई रास्ता नहीं है तो जोड़ोगे अगर देखो ये 1/8 है और ये 7/4 है इसको अगर हम 14/8 कर सकते कि नहीं दो से अगर गुणा कर दें 14/8 और 1/8 15/8 हो गया क्या हो गया 15/8 इन सबको सॉल्व करने के बाद और तब आपको गुणा 1/15 करना होगा ठीक है ध्यान रखना यहाँ कोई गिनती थी जो लिखी नहीं गई है उत्तर तो इसमें से नहीं आएगा कोई बात नहीं लेकिन इस कैसे हल करने हम लोग को देखना है आओ देखो काटते हैं 2 × 2 = 4 कर सकते हैं 2 × 9 = 18 कर सकते हैं और कोई रास्ता है 3 से कर सकते हैं 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 हो सकता है अब नहीं हुआ 5 × 3 = 15/4 15/4 और प्लस 15/8 अगर इसको हमें जोड़ना हो तो क्या करें इसको आप 30/8 कर दो 4 2 से गुणा 30/8 और 15/8 45/8 हो जाएगा
हो जाएगा, 45/8 और गुणा 1/15 हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, आपको उत्तर बन जाएगा 3/8। उत्तर कितना बनना चाहिए? 3/8 बनना चाहिए। अरे वाह, बन भी गया, यानी यहाँ पर कोई गिनती थी नहीं, ज़बरदस्ती प्लस लगा दिया गया था। मैं तो पहले सोच कर चल रहा था कि मान लो कोई गिनती ना लिखी होगी, लेकिन देखो सवाल लगाने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहले मैं एकदम क्रम फॉलो करता गया, सीधे सीधे आपका उत्तर बन जाएगा, अलग से आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। परीक्षा के सवाल ऐसे होते हैं, देखने में बड़े लग सकते हैं, कठिन नहीं होते, थोड़ा सा कोशिश करो, उत्तर बन जाता है। देखो ये क्या है, हम क्या करेंगे, पहले हमें ध्यान रखना होगा, पहले मुझे ये का लिखना पड़ेगा, बस ये समझना, अगर हम का लिख ले गए पहले तभी काम हो पाएगा। देखो हम लिखेंगे 196/7 डिवाइड बाई 132/55 गुणा 35/12, और फिर इतना होने के बाद अब ये गुणा दूसरा है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, 45/30। तो सबसे पहले मुझे ये गुणा करना ही हो, जो आ जाए उसे घुमाना पड़ेगा। आओ देखो कितना करीब का मामला था, ये भी गुणा बगल में दे दिया कि बच्चा गुणा करते, ये भी गुणा कर ही ले पहले, गलत हो जाएगा, भाग के बाद ही गुणा कर सकते हैं आप। आओ देखें, 12 से आप इसको काट सकते हैं 11 बार में, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटो 11 और 5 से काटो 7 और 11 11 तो कट ही जाएगा, ये कितना आ गया, केवल 7 आ गया। अगर 7 आ गया तो अब मैं दोबारा लिखूंगा 196/7 गुणा 1/7, बोलो इस 7 ऊपर है ना, तो पलटोगे आप जब उसको तो बनेगा क्या, 1/7 और उसके बाद गुणा करेंगे 45/30। कुछ हो सकता है, बहुत छोटा सा हो सकता है, 4 से इसको काट सकते हैं आप, 4 × 5 = 20 और 4 से काटो 4 × 16 = 16, 4 × 9 = 36, वाओ, 5 × 9 = 45 और 49 49 कट गया, केवल आपका उत्तर 9 है, वाओ क्या सवाल है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो जरा इसको ध्यान से देखो, कितने आराम से कटा है, ऐसे लग रहा है कि सब खत्म, ये है परीक्षा, हाँ ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, एकदम मस्ती है सवाल के अंदर, थोड़ा सा कोशिश करें और लगा डालें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा है अच्छा सीधे सीधे लिखा, खाली एक जगह का लिखा है, तो का लिखा तो गुणा ही है और उसको सोचना है नहीं, आओ काटते हैं। तो मैं लिखूंगा 156/13 गुणा 147/24 गुणा 24/144 गुणा 8/49, आओ भाई काट, सब गुड़े गुड़ा है, जितना पेट भर के काट पाओ। मैं 13 से इसको काट सकता हूँ, 13 × 13 = 26 12 × 2 = 24 होता है, और 2 से मैं काट दूँ तो 12 होता है, 12 से काट दूँ तो 12 होता है, और 8 × 4 = 8 और 4 × 3 = 12 होता है, और 3 से मैं इसको काट सकता हूँ, 3 × 12 और 3 × 9 = 27 और 49 49 तो कट ही जाएगा। क्या सवाल है ना, जरूर लगाइएगा, मस्त हो जाएंगे, देख रहे हैं आप। अब जब मैं कहता हूँ कि डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए, क्यों कहता हूँ आप देखिए, इतने आसानी से उत्तर कटता चला जा रहा, ठीक है आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, देखो जरा 34, अब देखो यहाँ पे कहीं बार होना चाहिए था ना, 8 − 2 − 3 लिखने क्या मतलब है? हमको लगता है यहाँ बार होना चाहिए, अगर देखो बार करके लगाते, क्योंकि 8 − 2 − 3 लिखने का कोई तुक नहीं बनता, बिना बार के ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन चलो लिखते हैं, 34 − 28 − 12 − अब क्या है ये, 2 और 2 − 3 घटाओ −1 और −1 प्लस करोगे तो 9 बन जाएगा, है ना, तो समझ पाए। देखो भाई मैं इसको बार मान के चल रहा हूँ, कैसे किया मैंने, देखो अगर 12 तो अंदर का ब्रैकेट खुलेगा ही खुलेगा, 8 − 2 + 3 11 में से 2 घटाओगे 9 आएगा, अब 9 देखो घटाते, अगर 12 में से आप 9 घटाते हो 3 आएगा, वह 3 आएगा यहाँ पे, तो −3 होगा 25 और 25 इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, 25 × 4 = 9, 9 नहीं है उत्तर आया, इसका मतलब हुआ कि बार नहीं लगा हुआ है कि नहीं, बार नहीं है, चलो बार ना माना जा, क्योंकि बार से उत्तर आया नहीं, तो जैसे आए वैसे लगाते, फिर से करो 34 −
28 माइनस 12 माइनस, ये क्या होगा? 8 में से 2 और 3 5 घटाओगे तो 3 बचेगा। अब देखते तो 12 में से 3 घटाओगे 9 आएगा, 28 में से 9 घटाओ भाई, ये होगा 34 माइनस 28 माइनस 9, 28 में से 9 घटाओगे, 18 में से 9 गया 9 है ना, 19 आएगा। अब 34 में से आपको 19 घटाना, 14 में से 9 गया 5, 2 में से गया 15, कहीं दिख रहा? हाँ भाई 15 है, सही। वहाँ बार नहीं लिखा हुआ था, जैसे लिखा था वैसे ही हमें लगा देना चाहिए। आप देख सकते हैं सवाल को एकदम आराम से उठाइए, जो जो कहा है करते चले जाइए। देखो क्या लिखा, मूल्यांकन करें। देखो जगह जगह का है, भाग है, सब कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट है, आओ हल करते हैं। तो ये है, देखो अब ये सवाल है आपके सामने, जैसे यहाँ भाग लिखा, यहाँ पर का लिखा है, आपको का माने गुणा पहले करना होगा। चलो देखते हैं, मैं लिखूँगा 75 माइनस 50, अब डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, तो 2 25 10 हो जाएगा ये, है ना, प्लस 36। अब देखो ये है गुणा, का लिखा ना पहले गुणा हो जाएगा, तो 36 डिवाइड बाई 4 6 के 24, ये पूरा होगा गुणा, फिर आया 2। अब ब्रैकेट में चलते हैं, लिखा 18, 18 माइनस 2 25 10। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लिखते समय ही दो तीन बदलाव पहली बार में ही कर दिया हमने। फिर से देखो मैंने क्या किया, 75 लिखा, फिर 50 लिखा। अब यहाँ डिवीजन था, लेकिन पहले मुझे डिवीजन नहीं करना था, पहले मुझे का करना था, तो 5 दूना 10 कर लिया। ऐसे ही 36 डिवाइडेड बाई, मुझे 4 नहीं करना था भाग, पहले 4 का 6 से गुणा कर लिया 24 आ गया, फिर गुणा 2, और फिर ब्रैकेट के अंदर 18 और 2 50 10 मैंने कर लिया। आओ देखते अब जहाँ जहाँ डिवीजन है, पहले हम लोग डिवीजन पर फोकस करेंगे। आओ करते हैं, तो 75 माइनस क्या 50 में आप 10 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस 36 में 24 से भाग दो, 24 से काटोगे 24 बारह 24 32 3 बटा 2, यानी कि 1.5 आ जाएगा, 1.5। अब गुणा 2 लिखा, अभी 18 में से आप 10 घटाओगे क्या हो जाएगा 8, ये रहा आपका उत्तर। अब जहाँ गुणा है पहले गुणा कर लेते हैं। आओ देखो 75 में से आप 5 घटा सकते हो, कोई बात नहीं, 70 आ गया प्लस, अब ये गुणा करोगे तो 15 दो 30 3 8 24, बताओ भाई 94 आया क्या? ये आपका उत्तर है 94। प्रोसेस आपने ध्यान से देखा, इसी प्रोसेस से सवाल को लगाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये क्या लिखा है देख रहे हो, इतना सुंदर सा है। तो जो पहले ऑफ करके लिखा, पहले उसे हल करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं 67 प्लस 2 बटा 5 और गुणा 75, अच्छी बात। नीचे आओ, 5 प्लस 2 बटा 5 गुणा, अब इसको आप यहां तक घटा सकते हो, क्या घटाओगे 8 में से 7 घटाओगे 1 और 5 में 3 घटाओगे 2, ये रहा। भाई माइनस करना है तो कर लो पहले, बस हल करो। अब हम इसको कर सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 के 5 5 बचे 25 और 15 दूना 30, ये हो गया 67 प्लस 30, और नीचे क्या हो गया नीचे देखेंगे तो गुणा तो पहले ही करना पड़ेगा, ये होगा 21 दूना 42, 5 प्लस 42 बटा 5 है ना, 42 बटा 5। ऊपर क्या हो गया देखेंगे तो 7 6 3 9 97 हो गया, बटा 5 25 25 प्लस 42, बोलो जोड़ रहा हूँ 25 प्लस 42, अगर 25 में आप 42 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 25 जोड़ो भाई, तो ये हो जाएगा 5 2 7 4 2 6 1 7 है ना, 4 2 6 ठीक है 67 बटा 5 ऊपर चला जाएगा। वाह क्या सवाल, 67 कहीं कटने वाली गिनती है? नहीं है, यानी कोई ना कोई बात इधर से उधर है, कहीं पर भी 67 या 19 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो मिस्टेक है। आप दोबारा देखते हैं, 67 प्लस 2 बटा 5 गिनती देखते हैं, ओहो नहीं वही बात है, 75 गुणा 2 बटा 5, 5 से काटोगे 15 गुणा 30, और 30 अगर आप इसमें जोड़ देते हैं आएगा ही आपका 97। अब नीचे देखिएगा, 5 प्लस 2 बटा 5 गुणा 8 में 7 घटाओगे 5 दिन गया 2,
ठीक है, 21 यही आना है भाई, आना यही है। देखो ऊपर 97 आएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे ना तो 5 25 25 भाई 42 में आप 25 जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 2 6 67 ही होगा। अब 67 से आप जब इसको काटते हैं, इनमें से कुल फिलहाल कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा। अगर नहीं प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब हुआ कि किसी गिनती के साथ कुछ हो रहा है जो कि कम छापा गया है ना। आप लोग जो है मैसेज जरूर करेंगे है ना, मैसेज करने से क्या होगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5 7 35 3, 5 5 45 और 3 48 बटा 67। आप चाहें तो 485 में 67 से भाग दे करके और कुछ फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करें। 6 7 42, कुछ 7 बार जा सकता है, 7 7 49, 4 7 6 42, 4 46, 15 में से 9 घटा 6, 7 में 6, 7 सही 16 बटा 67, यानी उत्तर इस तरह से बन रहा। ठीक है, अब ये चीज यहाँ से नहीं दिख रहा, इसका मतलब या तो यहाँ, दोनों जगह में कहीं पर मिस्टेक है। हम लोग को क्या करना, प्रोसेस देखना खाली, कि जब सवाल आए तो आपको क्या कैसे करना, हैंडल क्या है। देखो ये सवाल आपके सामने, 6 से 1 बटा 3 माइनस 9 बटा 4 प्लस 9 बटा 4 5 बटा 4 ऐसे लिखा हुआ। चलो एक तरह से लिखना शुरू करें तो हम इसको लिख सकते 3 6 18 19 बटा 3, अच्छी बात। माइनस यहाँ लिखा है 9 बटा 4 प्लस, अब चलो कर्ली ब्रैकेट में चलते हैं, यहाँ लिखा है 5 बटा 4 माइनस माइनस 1 बटा 13। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 1 बटा 13 हम घटा नहीं सकते पहले, अब मुझे पहले यहाँ गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा और घटा ही लें। 5 बटा 2 में से 1 बटा 3 घटाना भाई, 5 बटा 2 में से 1 बटा 3 घटाना है। आप 6 लिखोगे तो 3 6 3 5 15, 3 2 6 13 बटे 6, ये रहा आपका उत्तर। अब होगा क्या, ये दोनों गुणा करेंगे तो 13 13 कट जाएगा, और फिर से करें 19 बटा 3 माइनस 9 बटा 4 प्लस। अब क्या करना पड़ेगा, 5 बटा 4 में से आपको क्या घटाना है, 1 बटा 6, 5 बटा 4 में से आपको घटाना है 1 बटा 6। 4 6 का लघुत्तम 12, 4 3 12 15 और माइनस 6 2 12 है ना, तो 13 बटे 12 यही चल रहा। 5 बटा 4 में से आप 1 बटा 6 घटाते हो, 4 3 12, 3 5 15 और 6 2 12, 13 बटे 12। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे अगर तो देखो 3 से गुणा करना चाहिए है ना। देखो 4 12 का लघुत्तम ले लो 12, 4 3 12, 3 9 27 और प्लस 13 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 2 1 3 1 4, 40 बटा 12। ये आया 19 बटा 3 माइनस 40 बटा 12। अब घटा दीजिए भैया, 40 12 लघुत्तम, 3 चौके 12, 19 चौक 76 माइनस 40, बताओ भाई 6 और 3, 36 बटे 12, और 12 3 36 आपका उत्तर 3 बन गया। क्या सवाल था, जबरदस्त। इतना कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा लगा कि फ्रैक्शन में आंसर बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जो आप देख रहे हो बीच में छोटे छोटे सवाल को जब मैं बगल में ले जाके करता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि जब आप बहुत सारे सवाल करेंगे ये फिर अभ्यास हो जाता, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, जानते हो। जैसे ये है ना 27 बटे 13 बटे 12, तो इसको 4 को 12 बनाना तो आप 3 से गुणा करो, 27 बटा 12 ही हो जाएगा, 27 बटा 12 13 बटे 12, तुरंत आपका उत्तर बनेगा है ना। तो देखो पहली बार करेंगे तो लिखना पड़ेगा, अरे बार बार करेंगे लिखना बंद, सोच करके उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तो क्रम से जैसे लिखा वैसे लगाना शुरू करें और देखते हैं। लिखा 1 डिवाइड बाई 1, एक कर्ली ब्रैकेट, लिखा 1 बटा 2 प्लस 5 बटा 2। अब का लिखा तो गुणा कर लेंगे हम, 1 बटा 5, फिर आया माइनस, फिर आया 1 बटा 4 डिवाइड बाई 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 डिवाइड, अब ये बंद, और फिर प्लस हुआ 1 बटा 2 गुणा 3। ये है सवाल, हमने सब जगह सिंपल लगा लिया। ठीक है, अब फिर से चलो यहाँ 1 डिवाइड बाई, ये रहने देते हैं। अब 1 का गुणा को कोई मतलब नहीं, पहले मुझे सॉल्व ही करना है और चले देख। तो जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ देखो ये गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, क्या आएगा 1 बटा 2 प्लस, या फिर 1 बटा 2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ चलो अंदर ब्रिकेट के अंदर यहाँ चलेंगे तो भाग है,
क्या हो जाएगा, एक बटा चार गुणा दो बटा एक हो जाएगा, पलट जाएगा, और प्लस एक बटा दो है, और बाहर में क्या हो जाएगा, प्लस गुणा करना है तो तीन बटा दो हो जाएगा, कुछ कुछ कम होता जा रहा। देखो अब इससे आप दो दूना चार कर सकते हैं, फिर से देखो एक डिवाइड बाई एक, ये इसको आप करेंगे आप तो एक बटा दो, एक बटा दो आप बहुत आराम से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ये जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बटा दो मिलकर एक हो जाएगा, माइनस है ना। यहाँ चलो भाई ब्रैकेट के अंदर में क्या है, दो दो दूना चार होगा, एक बटा दो है और एक बटा दो फिर एक आ जाएगा, वाओ क्या सवाल है, और फिर प्लस तीन बटा दो है, फाइनल कहानी। आओ देखते हैं, एक डिवाइड बाई एक, अब यहाँ जब अंदर जाएंगे ये तो भाई ब्रैकेट बंद होगा, मान लो बड़ा वाला है, अच्छा ये ब्रैकेट मझला वाला कहाँ तक था, अच्छा लास्ट में है भाई, मझला ब्रैकेट लास्ट में है, ठीक है ये। तो अब अंदर की कहानी आखिरी बार सॉल्व होने जा रही है, देखो एक माइनस एक और प्लस तीन बटा दो, तो जब एक माइनस एक करोगे तो दोनों कट भी जाएंगे है ना, तो ये तीन बटा दो आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा अंत में एक डिवाइड बाई तीन बटा दो, यानी गुणा दो बटा तीन हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा दो बटा तीन, कहीं लिखा है, वाह दो बटा तीन नहीं आ भाई, तीन बटा दो आ गया, कहीं तो गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, फिर से लिखना होगा। देखो एक, और जब हम यहाँ देखते हैं एक और माइनस एक है ना, इसकी वैल्यू एक आ गई, इसकी वैल्यू भी एक आ गई, तो ये एक है और प्लस एक बटा दो, तीन बटा दो लिख देना चाहिए था, नहीं नहीं एक है ये, ठीक है एक आ गया, एक एक और प्लस है, ठीक है, तो एक और माइनस एक कट के खत्म हो गया, अब तीन बटा दो, तीन बटा दो जब बाहर आएगा तो एक से ही गुणा करेगा, मान लो तीन बटा दो ही, अब पलट के दो बटा तीन आ जाएगा भाई, दो बटा तीन आना चाहिए है ना, दो बटा तीन कहीं दिख नहीं रहा, तीन बटा दो दिख रहा है, तो अब इसीलिए शक हो रहा है कि एक बार मुझे फिर से जाँच कर लेना चाहिए, अगर मैं जाँच करता हूँ तीन बटा दो का तो मुझे लगता है कि मैंने सही किया है, तो आपको उत्तर बनना चाहिए दो बटा तीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल कितना इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, जरा सा इधर से उधर हो जाओ बस है गड़बड़, आओ देखें कैसे होगा। इस सवाल को जब आप ध्यान से देखते हैं तो लिखा एक बटा चार भाग है, गुणा बनाओ दो बटा एक हो जाएगा, और फिर गुणा इसको बनाओ तीन एक के तीन चार बटा तीन, अच्छी बात। अब नीचे आते हैं, आठ का माने गुणा होगा, गुणा होगा तीन बटा चार, और डिवाइड है तो मैं लिख देता हूँ एक बटा दो, फिर प्लस लास्ट में छः गुणा एक बटा तीन और गुणा दो, एक काटना है और काट, तो मैं देखता हूँ भाई ये चार और ये चार कट गए, ऊपर बचा दो बटा तीन, और यहाँ मैं देखता हूँ चार दूना आठ, आठ पूरा कट गए, अच्छी बात, तो दो बटा तीन और बटा तीन है ना, ये दो बटा तीन हुआ और यहाँ नीचे बटा तीन, तो दो बटा तीन क्या होता, तीन तीन नौ, दो बटा नौ ये बन जाएगा भैया दो बटा, आप समझेंगे ये दो बटा तीन है और फिर यहाँ तीन बचा, तो दो बटा तीन करोगे दो बटा नौ, और प्लस इसको हल करें कैसे होगा, तीन दूना छः और दो दूना चार, तो गुणा करें नौ चौक छत्तीस और दो अड़तीस बटा नौ, अड़तीस बटा नौ, अड़तीस बटा नौ काटेंगे तो क्या होगा, नौ चौक छत्तीस है ना, और दो बटा नौ, चार सही दो बटा नौ आपका उत्तर बनना चाहिए। आप देख सकते हैं सवाल की प्रकृति देखिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन, उस तनाव पर जिस समय आप एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय में ऐसी कैलकुलेशन जानलेवा साबित होती हैं, गलती हो जाती है बार बार है ना। थोड़ा सा और पतला करता हूँ, देखो अब ये सवाल करना आपको, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखा जाए तो कठिन नाम से कुछ नहीं आता, लेकिन गलती करने के लिए पर्याप्त अवसर है, गलती करने का अवसर देखो आप, तो यहां से मैं शुरू करता हूँ, चार थी बारह, तेरह बटा चार, ये बड़ा ब्रैकेट शुरू हो रहा, ये डिवाइड का सिंबल है, अब देखो इसे कह रहे घटा दो, तो घटा दो तो घटा दो, अब ब्रैकेट खत्म करो कहानी है, चार एक के चार एक पांच बटा चार, कहीं रफ वर्क में चलते हैं, हाँ चलो नहीं चलते, ठीक है पांच बटा चार माइनस एक बटा दो कर दो, तो भाई चार के चार पाँच बटा चार, पाँच बटा चार में से एक बटे दो घटाओ, अब एक बटा दो इसको मैं लिख सकता हूँ दो बटा चार, तो पाँच बटा चार में से दो बटा चार घटाओगे तीन बटा चार आ जाएगा, क्या आ जाएगा तीन बटा चार, इस जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ तीन बटा चार, और चूंकि डिवाइड है तो डिवाइड है तो मैं लिखता हूँ क्या गुणा चार बटा तीन,
अब चलो इस ब्रैकेट के पास आते हैं। अभी इस ब्रैकेट के पास आएंगे तो गुणा ही होना है यहाँ पर, अच्छी बात है। इसको चलो सॉल्व करते हैं, ये कितना हुआ, दो दूना चार 5/2, -1/4 -1/6। तो भैया जी इसका लघुत्तम 12 हो जाएगा, 2 × 12 6 × 5 = 30, फिर -4 × 3 = 12 -6 × 2 = 12, तो 3 × 2 = 5 घटा दोगे 25/12 हो जाएगा, और 25/12 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ तक बात खत्म हो गई, आओ आगे बढ़ते हैं, इसको हटाइए। तो यहाँ जब चलते हैं तो अब क्या होगा, प्लस, क्योंकि यहाँ तक कहानी होगी, यहाँ तक बंद भी था बड़ा वाला ब्रैकेट, प्लस इसको हल करें, 3 × 12 = 13/3, पक्का है तो गुणा ही है 1/5, और माइनस बाहर चलो इसको ब्रैकेट कर लिया, -2 × अब ये 3 है तो 3 है, और अभी ध्यान रखना भाग अभी यहाँ पर है 1/3 और गुणा 6 है, तो पहले 6 कर लो, 3 × 2 = 6 कर लो, यहाँ पे आप कर लिया। अब फिर से यहाँ करोगे ये बन जाएगा -2 × ये 3 है, और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, काट दिया ना 3 में, यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन में तो पूरा कहानी 1/2 हो जाएगी, 3 × 1/2, 3 × 1/2 करोगे देखो 2 × 3 × 1/2, अब 2 कट जाएगा -3 आ जाएगा, यानी इस पूरी कहानी की वैल्यू कितना आ गई, -3 आई। और फिर से देखो यहाँ से मैं इसको एक साथ कर सकता हूँ, जब हमने इसको 3 से काटा, 3 × 2 = 6 हो गया, तो अब ये लिख सकता हूँ 2 × 3, और भाग है तो भाग करोगे तो गुणा करके ना भाग है, भाग 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो खाली 3 आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया। आओ हल करें, ये 4 कट सकता है यहाँ से, ठीक है 13/3, और कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, 13/3 × 25/12 गुणा है तो गुणा ही करो भाई, 13 × 5 = 65, 6 × 13 = 26 और 6 = 32, 12 × 3 = 36 प्लस, चलो यहाँ देखा जाए कुछ हो सकता है ना, 13 × 13/15 ठीक है, और -3 3/1 कर लो भाई, अब बताओ क्या आ जाएगा, 36 और 15 का लघुत्तम क्या हो सकता है, 36 और 15 करोगे आप, 3 से काटोगे 12 5 180, और फाइनल 36 × 5 = 180 होता है, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10 × 12 1 × 5 = 15 = 16 माइनस 15 से काटोगे आप इसको, 15 × 15 = 12 आ जाएगा, 12 × 13 = 156 प्लस, और माइनस 18 × 54 = 540 हो जाएगा। अब हल करें, हल करेंगे तो क्या हो, 5 और 6 = 11 हो जाएगा, 6 और 5 = 11 1, 6 और 2 = 8 और 16 × 17, इसमें से आपको 540 घटाना आएगा 1, और 8 में से 4 = 4 और 17 में से 5 = 12 बटा आ गया 180 भाई, एक भी उत्तर मैच नहीं कर, क्या नहीं कटा भाई, कुछ देखो हिंदी और अंग्रेजी में कुछ अलग बात लिखी गई, अगर आप देखें हाँ तो ठीक है 1/5, यहाँ -2 × 3 / एक बार दोबारा कर लो, क्योंकि इतना बढ़िया उत्तर दिख रहा है, गलती तो कहीं हुई नहीं, लेकिन जांच करने में क्या जाता, आओ जांच करें, एक एक तरफ से खाली टुकड़ा टुकड़ा करें, ये 4 × 3 = 12 13/4 एकदम पक्का सही है, और डिवाइड बाई इसको जब आप घटाते हैं, अब यही चीज दिक्कत है, यहाँ भाग वाग होना चाहिए था, घटाने के लिए कौन पैकिंग करता, 5/4 ही है, 5/4 और -1/2, अब इसको आप 2/4 कह सकते हैं, 2/4 घटा देंगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 अगर करोगे तो गुणा करके 4/3 लिखा जा सकता है, अच्छी बात है, फिर गुणा करो, अब इसको हम हल करेंगे, ये बन जाएगा आपका 2 × 2 = 4 5/2, एक बार जल्दी से देखें 1/4 और 1/6, ये आपका आ गया 6 नहीं 12, 2 × 6 = 12 30 -4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12 ये हुआ 25/12, अब ये 25/12 है तो गुणा ही है 25/12, यहाँ तक हमारी कहानी हो गई।
यहाँ तक हो गई तो हम इसको एक साथ पैकिंग में ले सकते हैं, ले लिया। अगर ले लिया अब क्या हुआ, अब केवल जानते हो एक आसान काम था कि आप इसे काट दो, लेकिन एक बार कहीं पर मिस्टेक ना हो, एक बार देखने में कोई बुराई नहीं। हम इंग्लिश वाला वर्जन अब देख रहे हैं, प्लस अब देखो 1/5 है यहाँ पर और गुणा 3 × 12 13/3। अब क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 13/15 आ जाएगा। ओके 13/15, ये भी खत्म हुआ। अब इसके बारे में सोचो, ये हुआ माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अभी हुआ 2 × 3, डिवाइड डिवीजन तो हम बाद में करेंगे, गुणा करना है तो 3 × 2 = 6, 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा 3 है। उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं आप, क्या कर सकेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो -3 आ जाएगा, 3/1 कर सकते हैं। अब काटेंगे तो 4 4 कट गया, ठीक है। कहानी वही, अभी वही आना है क्योंकि कुछ और बदलाव हो भी नहीं रहा, ठीक है। कोई बात नहीं है, हो सकता है आंसर में ही कोई गड़बड़ी है, लेकिन है सवाल इंटरेस्टिंग, लगाने मजा आएगा। ये देखो क्या है, 64 = P, यानी कि P की वैल्यू देखनी है आपको। हमें लिखना है 64 − 16 + करली ब्रैकेट 23 − 12 + 12 प्लस क्या है, और यही सारा कुछ बंद हो गया, यही हल कर, इसका मान है P। आओ हल करें। जब यहाँ से बात करते हैं तो 12 और 10 = 22 हो जाता है, जोड़ो 22, 22 को आप 23 में से घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और 1 आप 16 में जोड़ोगे 17 हो जाएगा, 64 − 17 कर लो आप, तो 14 में से 7 घटाओगे 7, 5 में से 4, 43 आपका उत्तर, P की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है ना, और किसी किसी क्वेश्चन में खूब घुमावदार लिखकर छोड़ दिया कि आओ लगाओ। यहाँ देखो क्या है, अब सबसे पहले भाग तो आराम से कर सकते हो यहाँ पर, कैसे, 16 × 2 = 32, बिल्कुल लिख दो 2, तो अब ये खत्म हो गया बात। और माइनस 5 × 2 यानी 10, ठीक है। नीचे आओ, 11/22 यानी 1/2 हो जाएगा, एक भाग देना है तो 11 में आप 22 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को 10.5 कह सकते हैं, ठीक है। और गुणा 8 है, 8 × 6 = 40, 4 भी हो जाएगा, चलो 4 ही लिख दें डायरेक्ट, हमने 4 लिख दिया, यहाँ तक हो गया। और माइनस क्या हुआ, 5 × 2 = 10, ऊपर करते हो 2 − 10 घटाओगे तो आएगा -8, नीचे करोगे तो 6 आ जाएगा -6, दोनों खत्म हो गया, 2 × 4 = 4/3, नहीं दिख रहा, ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पूछने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, कुछ बात है नहीं, लेकिन अगर वही सिंबल को आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती होने की भरपूर संभावना। अगला प्रश्न देखें, देखो ये लिखा इतना गुणे इतना डिवाइड बाय इतना -11 × 12, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डिवीजन करेंगे, 48/ यानी 799 गुणा 48/282, ये एक ब्रैकेट के अंदर -11 × 12, यही हमको करना। पहले इसको काटने की कोशिश करें, इससे कट सकता है, 282 है भाई, ये 2 से काट सकते हैं, 141 कोई चांस नहीं, देख रहे। अगर आप इसको काटते हैं तो सोचो ये हुआ 799 × 24/141, और फिर माइनस करना है इसमें से 11 × 12 = 132। बताओ इतना बड़ा कैलकुलेशन है, माइनस करना है 799 सही, तो हम क्या कर सकते हैं, 799 सीधे ही घटा दें, नहीं तो इतना गुड़े इतना बटे इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कट नहीं है, 4 × 5 = 6, 3 से और कट रहा, देखो 3 × 8 = 24 और 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, नहीं 47 से देखो कट रहा, 799 चेक कर लें, 47 से तो एक बार जाए पहले, आठ सात 4 × 32 = 7, बिल्कुल 17 बार में कट गया,
सत्रह अठे 136 हो गया, 136 में से 132 घटा दोगे आप कितना आ जाएगा, चार। क्या सवाल, ठीक है। पहले इसको काटते गए, 43 से पूरा कट गया, 17 अठे 136, 136 में से 132 घटाए, आराम से आपका उत्तर आपके पास। आइए अगले सवाल को ध्यान से देखें, कह रहे हल कर दो बस, जो जो कहे वही करते चले जाओ। भाई देखो, सबसे पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और ये उसके बाद में जो कुछ होगा होगा। अब 36 में 9 से भाग देखो, 9 चौक 36, अच्छी बात, बुरा। 5/15 माने 1/3 हो जाएगा, और प्लस 7 21 हो जाएगा। नीचे क्या है, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, बुरा। 3/12 माने 1/4, और प्लस 8 24। अब यही हल करना, आओ हल करें। ये हुआ 4/3, देखो 4/3 प्लस 21 अपान ये कितना हो जाएगा, 1/8 है, बिल्कुल 1/8 और प्लस 24। इसी को हल करना, आओ देखें। ये हुआ 21 63 और 4 67, 67/3, 21 63 और 4 67/3, और नीचे चलो 24 8, 8 4 32 3, 8 16 3, 19 192, 193, 193/8। आप जानते हैं ये होना होता है जब कभी चार पद हो जाए, तो 8 का गुणा करें, 8 का गुणा इसमें होगा 8 7 56, 5 8 6 48 और 5 53, 536 कहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, और नीचे इन दोनों गुणा हुआ 3 3 9, 19 3 57। देखो भैया, ये रहा क्वेश्चन आपका, सवाल क्या था, जैसे देखो ऐसे ही लगाते चले जाओ, कुछ उसमें सोचना विचारना नहीं है, उत्तर आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, इस सवाल को देखिए, 5/11 का 3/7 प्लस 7/11 गुणा 55/11 माइनस ऐसे, बस जो जो लिखा जाए करते जाओ। उत्तर थोड़े सिंबल बड़े दिख रहे, इसका मतलब हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं। आओ देखो, 5/11 का गुणा है 3/7, फिर आया 7/11 गुणा 55/21 माइनस 8/22, यहाँ भाग है तो गुणा कर लो आप, 35/16। ये है कहानी टोटल, आओ काटे। ये गुणा करना है, गुणा करना है तो कुछ कटने लायक है नहीं, तो 5 3 15/77 प्लस, यहाँ कुछ कट सकता है, जी हाँ, 11 5 55 हो सकता है, और नहीं कटेगा, 7 5 35/21, फिर माइनस, यहाँ कुछ कर सकता है, 11 2 22, 11 3 33 और 2 4 8, ये हुआ, और 4 4 16 भी हो जाएगा, क्या हो गया, 3/4। अब 77 21 और 4 का लघुत्तम लेना होगा, क्योंकि ये कठिन टास्क होगा, कठिन टास्क का मतलब थोड़ी बड़ी गिनती है, 77 21 और 4। अगर हम 7 से काटते हैं, 11 3 और 4, अब आपको कोई कटने वाला है नहीं, देखो 3 से काटो कोई मतलब नहीं, 4 से काटो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 4 3 12 × 11 132 × 7, 132 × 7, 7 2 14, 1 13 7 91 92, 924 कहीं दिख रहा, 924, 920 का ही दिख रहा भाई, चलो ठीक, इसे देख लें, 4 3 12 1 12, 1 12 1 13, ठीक है, 7 से गुणा करो, 7 2 14, 1 91 92, ये आया 924। अब अगर 77 में आप पहाड़ा पढ़ते हैं इसका, तो आ जाएगा 12, 12 का 15 से गुणा करेंगे, 12 5 60, 6 12 6 18, 21 का गुणा आप करते हैं आ जाएगा 44, 44 का 35 गुणा करना पड़ेगा, 44 × 35, 5 4 20, 2 5 4 20 और 12 32, 2 34 3 जाते हैं 12 3 15 240। और अगर आप 4 से पढ़ा पढ़ते हैं, ये
बहुत बड़ा सा गिनती बनेगा, माइनस क्या बनेगा, चार से करेंगे तो क्या आते हैं 33 बुरा 7, 33 बुरा 7 करेंगे, 7 21 21 2 23, ठीक है। अब इसका 300 गुणा करें, ऊपर 3 है, 3 1 3 और 23 3, ये है टोटल। तो भैया इन दोनों को जोड़ना है, 0 0 4 और 8 12 1 15 1 16 1 17 माइनस 693 और बटा क्या हो गया 924। 10 में से 3 घटाओगे 7, 11 में से 9 घटाओगे 2 और 16 में से 6 घटाओगे 10, 1027/924, 1027/924, इसको 4 बना दिया जाए क्योंकि हम लोगों ने उत्तर निकाल कर देख लिया। तो आप देख सकते हैं सवाल की प्रकृति क्या है, कभी कभी बड़ी गिनतियां केवल इसलिए आती हैं आपके प्रेशर को चेक करने के लिए, इतना एग्जाम देने के बाद, इतना देर के बाद जो आपके ऊपर तनाव है उस तनाव को आप कितना झेल पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आखिरी सवाल है ये, देखो जो लिखा है वही सीधे करते चले जाएं, 3/5 है, अच्छी बात। ये देखो डिवाइड लिखा, लेकिन डिवाइड लिखा हम कुछ कर नहीं सकते, पहले हमें का ही देखना होगा, पहले जब हम गुणा कर लेंगे तब हम डिवाइड पे काम कर सकते हैं, चाहे तो हम कहीं ट्रक फॉर्क में पहले गुणा कर लेते हैं, 5/16 गुणा 4 5 20 या 24/5, इससे क्या हुआ 5 5 कट गया, इसको काट सकते हैं 8 3 24 8 2 16, 3/2, अगर 3/2 है इसको हम गुणा करके 2/3 कह सकते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी बात खत्म हो गई, चलो प्लस करते हैं, 2/3 है और फिर डिवाइड है, तो डिवाइड है तो हम पलटते चले जाएंगे क्योंकि दोनों जगह डिवाइड, ये हो जाएगा 15/8 गुणा 5 1 5 1 6/5 को हम 5/6 कह सकते हैं, माइनस तक पहुंच गए, माइनस 1/4 गुणा 3/4, 3/4 को क्या करेंगे ऐसे रहने देंगे 3/4, तो यहाँ पर क्या है डिवाइड, तो डिवाइड नहीं कर सकते, पहले इनका गुणा ही करना पड़ेगा उसके बाद डिवाइड करेंगे, चलो करें 2/5 गुणा 5/4, तो आप इसको काटेंगे 5 5 करके 1/2 आ जाएगा, 1/2 डिवाइड करना तो गुणा 2/1 हो जाएगा, ये है का। अब देखो एक लाइन में बहुत कुछ सॉल्व हो गया, चलो अगली लाइन देखते हैं, अब इसका इसका काम होगा, इन तीनों का एक साथ होगा और इन तीनों के एक साथ होगा, चलो करें, तो 3 3 कट गया, यहाँ आया 2/5, यहाँ देखें तो क्या हो सकता है 3 5 15 हो गया और 2 3 6 हो गया, 25/24 हुआ, माइनस यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ 2 2 4 3/8 24 25 120, 120 लघुत्तम हो सकता है, तो 24 25 में 24 2 48 प्लस 5 25 5 125 माइनस 8 काटो 15 3 45, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 8 11, 5 8 13 वह 1 5 4 16 1 17 माइनस 45 और बटा 120, तो देखो 13 में से 5 घटाओगे 8 और 16 में से 4 घटाओगे 12, 4 से काट सकते 4 3 12 4 3 12 और काट सकते 16/15, 16/15 कहाँ है, बहुत आराम से काटते हुए 16/15 होना चाहिए था, आपका उत्तर है 16/15। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से आप काटते चले जाएं, कुछ करना नहीं है, बस सिंबल को ध्यान देते जाएं, उत्तर आपका धीरे धीरे बन गया। तो इस तरह से परीक्षाओं के सवाल आपने देखे, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लगाते जाएं धैर्य के साथ, उत्तर जरूर बनता है। अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।